अभिनय न्यूज में आपका स्वागत है और हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि योगी सरकार का एक माह पूरा हो गया है और उन्होंने जो 6 बड़े काम किए हैं हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि योगी सरकार को आज पूरा एक महीना हो गया और उन्होंने इस दौरान न सिर्फ जनता से किए गए वादे पूरे किए बल्कि प्रशासन पर भी नकेल कसते में सफलता प्राप्त की। आइए नजर डालते हैं उनके बड़े फैसलों पर। उन्होंने सबसे पहले किया किसानों का कर्ज माफ। योगी सरकार ने सत्ता में आते ही पहली बैठक में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान लघु और सीमांत किसानों द्वारा लिया गया 1,00,000 रुपए तक का फसली ऋण माफ करने का अहम फैसला लिया था। इन किसानों का कुल 36,359 करोड़ रुपए का फसल के लिए लिया गया कर्ज माफ किया गया है। वही दूसरा उनका फैसला था बिजली का। योगी सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया कि जिला मुख्यालयों में 24 घंटे और गांवों में 18 घंटे बिजली दी जाएगी। वही धार्मिक स्थलों पर भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी। वही उनका तीसरा अहम फैसला था एंटी रोमियो स्क्वाड। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। यह दस्ता मनचलों के खिलाफ सख्ती से काम कर रहा है। वही उन्होंने अवैध गुजड़ खानों पर भी ताले लगवाए। उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अवैध रूप से चलाए जा रहे बूचड़ खानों पर अपनी नजरें टेढ़ी कर दी। अवैध बूचड़ खानों पर योगी सरकार की सख्ती से यहां की जनता भी खुश दिखाई दे रही है। अब तक दर्जनों मवेशियों को बरामद किया गया है। वहीं उनका अगला फैसला था 3 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में खाना। जी हाँ, यूपी सरकार गरीबों, मजदूरों, रिक्शा चालकों, कम सैलरी पाने वाले नौकरी पेशा लोगों को 3 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में खाना खिलाएगी। अन्नपूर्णा भोजनालय के नाम से शुरू होने वाली इस योजना को सरकार राज्य के सभी 14 नगर निगमों में पीपीपी मॉडल के तहत शुरू किया जाएगा। उनका आखिरी अहम फैसला था भू माफिया त्रिस्तरीय टास्क फोर्स। योगी ने जनता से किए गए एक और चुनाव पूर्ण वादे को पूरा करते हुए भू माफिया पर लगाम कसने के लिए बड़ा कदम उठाया। उन्होंने राजस्व विभाग की जमीनों से अवैध कब्जे खत्म कराने के लिए भाजपा भूमाफियों त्रिस्तरीय टास्क फोर्स के गठन के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत भूमाफियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि एक महीने में योगी सरकार की काम की रफ्तार को देखकर जनता खुश है।